एक माह के लिए तमाम स्कूलों में तुलबा के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। पंजाब भर में स्मोग एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत तवील इजलास। स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। माहरीन माहौलियात की ब्रीफिंग। स्मोग के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म दिया गया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिएगा। 8 बजे बिल्कुल स्थापित स्मोक इकदाम के हवाले से निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत ये कई घंटे पर मबनी तवील इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और माहरीन ने सर जोड़कर जो है इस सूरत हाल का जायजा लिया गया और इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब ये फैसला किया गया कि एक माह के ये तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा तालबात के लिए मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफज कर दी गई है और तलबा तालबात की सेहत के लिए जो है मास्क को लाजमी करार दिया गया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि आवाम से अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सूबाई वज़रा को कल से सरकारी और निजी स्कूलों को विजिट करने की हदायत की गई है। साथ ही घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जमन में कमिश्नर जो है और जो मुतलका अदारे हैं उनको हदायत जारी कर दी गई है। स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म दिया गया है और वजीर आला मोहसिन नकवी ने इस जमन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को हदायत भी जारी कर दी है। उन्होंने काश्तकार भाइयों से अपील की है कि फसलों की बाकियात को ना जलाया जाए बल्कि इन्हें मुनासिब तरीके से तलब किया जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी और इस हवाले से अब ये फैसला किया गया, इन इकदाम पर अमल दरामद को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।